नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जन्म दिवस पर द लेजेंड ऑफ भगत दा का विमोचन किया। ये पुस्तक राज्यपाल भगत सिंह व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित है। सीएम ने भगत सिंह कोश्यारी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व का हर पहलू प्रेरणादायी है, वे सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही राजनेता के साथ कुशल शिक्षक के रूप में समाज को दिशा देने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भगत सिंह के सानिध्य में रहकर सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र कार्य करने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना, छोटे बड़े का भेदभाव न कर सभी को आगे बढ़ाने में मदद करने की सीख भी हमें कोश्यारी से मिली है। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, सरिता आर्य, सुरेश गड़िया, मोहन सिंह बिष्ट, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का 80वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी के 80वें जन्मदिन पर 80 किलो बूंदी से लड्डू बनवाए। वहीं जन्म दिवस के अवसर पर नैनीताल पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के राम सेवक सभा प्रांगण में एक दूसरे को लड्डू खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने कहा कि भगत दा हम सभी के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को तराशने का काम किया है। वहीं कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता कैसे बनते हैं, कार्यकर्ता दुख और कष्ट में भी किस तरह से संगठन को आगे ले जाता है और राष्ट्रीय भावना के लिए अपना त्याग कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो सीधे सिद्धांत यही है, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर परिवार, यानी कि हम। इस सूत्र के आधार पर भगत दा आज से नहीं बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज वो 80 साल के हो गए हैं काम करते करते। हम सब ने आज मिलकर उनके शतायु होने की कामना की है, नंदा सुनंदा माता से प्रार्थना की है, पाषाण देवी माता से प्रार्थना की है, प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु उनको आप शतायु बनाएं ताकि उनका मार्गदर्शन हमको लगातार मिलता रहे। सिख पंथ के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह का 427वां प्रकाश पर्व हरिद्वार में मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में सिख परिवार के सदस्यों ने गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ में भाग लिया। इसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने लंगर चखा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान जगजीत सिंह शास्त्री ने बताया कि गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद साहिब की दल भंजन योद्धा कहकर प्रशंसा की गई। शास्त्री ने कहा कि सभी धर्मों का एक ही रास्ता है अमन चैन का, लेकिन लोग भटक रहे हैं, सभी को मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के कार्य करने होंगे। खबर चमोली जिले की है, जहां ताइक्वांडो की स्टेट टेबल प्रतियोगिता में जिले के 22 बच्चे कई वर्गों में प्रतिभाग करेंगे। ये जानकारी देते हुए कोच शुभम शाह ने बताया कि अंबेडकर भवन गोपेश्वर में बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 25 और 26 जून को देहरादून में होने वाले स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में बच्चे भाग ले रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में 70 से ज्यादा बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं, अभी तक 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। हाल ही में उज्जैन में हुए ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जिले से 6 बच्चों ने मेडल जीत कर जिले का नाम रोशन किया। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट होगी, काफ़ी अच्छी वहाँ पे सब अलग अलग डिस्ट्रो से खेलने आएंगे और वहाँ अच्छी अच्छी फाइट होती है। हम इस गार्ड और हेडगार्ड वाले के सब में फाइट खेलेंगे। उनका जो था सिल्वर मेडल यहाँ पे।
बॉयज़ सीखे हैं, कम से कम 20 समथिंग गर्ल्स सीखे हैं। अभी तक यहाँ से 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। अभी हाल ही में क्या कहते हैं नासिक में आर्मी का ट्रायल होने जा रहा है, जिसमें यहाँ से 2-3 बॉयज़ जाएंगे, कपिल भी, बटमेज और रोहित। इन तीनों से उम्मीद है कि इस बार की जो आर्मी का जो सिलेक्शन ट्रायल होगा, तो उसमें उम्मीद है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से दोनों बच्चों का आर्मी के लिए सिलेक्शन हो सके। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन का जसपुर ब्लॉक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कर सम्मान देने की ओर बढ़ना चाहिए। सम्मेलन में पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें बबीता कश्यप को ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा व कार्यकारिणी की पद अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। खबर देहरादून के चकराता से है, जहां ग्रामीणों ने टाइगर फॉल बहुउद्देशीय पर्यटक विकास समिति को भंग करने की मांग की है। आपको बता दें कि टाइगर फॉल ने चकराता को एक अलग पहचान दी है। यहां पर्यटक अधिक संख्या में घूमने आते हैं, वहीं जब लोगों की भारी तादाद टाइगर फॉल पहुंचने लगी तो उत्तराखंड सरकार ने इस जगह को पर्यटकों के लिए विकसित करने का जिम्मा उठाया और टाइगर फॉल बहुउद्देशीय पर्यटन विकास समिति के नाम से नई समिति का गठन किया। लेकिन अचानक समिति के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और ग्रामीणों का आरोप है कि इस समिति द्वारा टाइगर फॉल में कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कराया गया, जबकि मामले को लेकर समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष का कहना है कि जब से मैं इस समिति का अध्यक्ष बना हूं, तब से टाइगर फॉल में सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सर, जब उस अध्यक्ष जी मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये नियम है कि मतलब 9 सदस्य उसको बना सकते हैं, 9 सदस्य हटा सकते हैं, तो जो आज के वर्तमान जो अध्यक्ष है उसको किसने बनाया? वो तो 9 समिति में है ही नहीं, 9 लोगों में है ही नहीं, उसको अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसने दिया? सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मतलब जब वहाँ पे टूरिस्ट आता है, पैसे लेते हैं, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है? आप लोग भी एक बार जाके देख लीजिए कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। टॉयलेट वहाँ पे नहीं है, चेंजिंग रूम वहाँ पे नहीं है, पैसे वहाँ पे इतने ले रहे कि जिसकी कोई हद नहीं है। सभी की सहमति से एक समिति बनाई, लेकिन हुआ कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों ने अपने फायदे के लिए केवल एक गांव की, केवल 9 लोगों की समिति बताऊंगा बस है, और बाकी पूरे खत को एक रफ रजिस्टर में एक समिति बना दी। बाकी अपनी 9 लोगों ने अपने पैसे खाए और समिति आज भी चला रहे हैं, जिसका पता हमें 5 साल के बाद लगा, जबकि समिति का अध्यक्ष की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब उसका विरोध किया, उनसे हिसाब किताब मांगना चाहा, तो उसके बाद उन्होंने तानाशाही करके कोर्ट से स्टे लेके आज पूरे खत को तहसील में पहुँचा दिया है। हमारा व्यक्ति विषय से किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से हम चाहते हैं कि अगर चकराता में पर्यटक बढ़ रहा है तो यहाँ पे विकास भी हो। जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने चीज़ नहीं आती है, तब तक उसको मैं तो समझता हूँ कि ये एक तरह से दुष्प्रचार है, और ये मैंने बताया कि इन माफिया लोगों की साजिश है। दूसरा ये है कि जो ये समिति का एक और पहलू मैं आपको समझाऊँ कि हर साल इसका रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट होता है। ऑडिट होने के पश्चात वो रिपोर्ट SDM के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि परगना अधिकारी इसके निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में सारा मामला रहता है। पूर्वांचल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश शुक्ला लालकुआ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां नगर अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि पूर्वांचल महासभा संगठन पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ हर उस जरूरतमंद नागरिक का संगठन है जिसको समाज में आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, उसकी रणनीति बनाकर लालकुआं से उसकी आवाज़ सरकार तक भेजी जाएगी। पूर्वांचल महासभा की नहीं हो पाई थी, आज आदरणीय शुक्ला जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, पूर्व विधायक हैं और सरकार में अपना एक अच्छा स्थान रखते हैं, उनको यहाँ का संरक्षण उनके पास है, तो उनको उन्होंने समय दिया, इसलिए पहले तो उनका धन्यवाद करेंगे। और आम सभा में आज सब जो समस्याएं आई हैं, माननीय शुक्ला जी ने भी ध्यान से सुना है, हम सब मिलकर के उस समस्या को आगे बढ़ाएंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में जो ना ग्राम सभा में था ना नगर पालिका में, लेकिन आपको ध्यान होगा कि मैंने
उस समय अपनी सरकार से पिछले कार्यकाल में उसको नगर पालिका घोषित कराया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लाल कुआं नगर पंचायत की सीमा बढ़ानी हो तो नहीं बढ़ सकती है, नगर पालिका की बढ़ जाएगी। आज ये विषय आपके आपने संज्ञान में लाए हैं आप लोग, मैं चाहूँगा कि इस संबंध में हमारे यहाँ के जो साथी हैं वे प्रस्ताव बना कर देंगे और हम नगर विकास मंत्री से मिलकर इसको शामिल कराने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने नगर विकास मंत्री ही कर देंगे इसको, और आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी समक्ष रखेंगे। अब चलते हैं उत्तराखंड के विकास नगर की ग्राम पंचायत, जहां पानी न मिलने के कारण गांव के 50 परिवार परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक हफ्ते से गांव में पानी नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए 1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। ग्रामीण पानी की अव्यवस्था को लेकर जल संसाधन विभाग को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहूलियत नहीं मिली है। हाँ जी, प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है, पूरे एक हफ्ता हो गया, पानी की बहुत दिक्कत हो रही, और आते हैं बहुत छोटे छोटे आदमी भेज देते, वो बेचारे ऐसे हैं कि उनसे पूरी खुदाई भी नहीं हो पाती, और बहुत दिक्कतें हो रही क्योंकि नहर के पास इन्होंने वो लगा दी जाली, अब पानी की भी हमें बहुत दिक्कत हो रही। कहाँ से ला रहे हैं? बस कहीं से भी नहीं, बहुत दिक्कत हो रही, जब दिक्कत हो रही कहाँ से लाएंगे। सर, प्रदर्शन ये किया जा रहा है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हमारे मोहल्ले में कहीं भी 300-400 परिवार यहाँ रहते हैं, पानी की बड़ी दिक्कत है, कहते कहते थक गए, हाथ जोड़ के उनको ऑफिस में जाते जाते, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। इतने बुरे हाल है कि बच्चे पानी के बगैर बेहाल है। एक तरफ सरकार कहती है हर घर नल हर घर जल, लेकिन नल क्या करेंगे, एक बूंद पानी नहीं आ रहा एक हफ्ते से, पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, माताएं बहनें सब परेशान हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। गंगोत्री और यमुनोत्री के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक संस्कृति की विरासत को समेटे है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के प्रदेश उत्तराखंड में है, इसलिए इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन उत्तराखंड के प्रमुख व्यापार हैं, जिन्हें सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी यही है। राजनीति परिपेक्ष में उत्तराखंड की सबसे अलग भूमिका है। सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है, जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ, सच की बात के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने तस्करों के साथ 45 कछुओं को बरामद किया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों ने अपना नाम मंतोष विश्वास बताया, जो बरेली जनपद से कछुए पकड़कर लाते थे और उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करते थे। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 45 कछुओं के साथ पुलभट्टा थाना पुलिस ने मंतोष विश्वास के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट भेज दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक किशोरी के गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नैनीताल के रिहायशी क्षेत्र की रहने वाली किशोरी गुरुवार लगभग 10 बजे रात से लापता है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लड़की सीधे नैनी झील की तरफ आ गई। वहीं अगले दिन शुक्रवार को किशोरी की चप्पल बरामद की गई। किशोरी का कोई पता नहीं चल पाया है, फिलहाल पुलिस उसके दोस्त से पूछताछ कर रही है। आई थी संदीप कुमार, इन्होंने हमें बताया था कि इनकी भतीजी कल रात 16 तारीख से 9:35 बजे से जो है गायब है घर से। इस पे जो है हमारे द्वारा तुरंत मुकदमा करके उसकी तलाश जारी की गई थी। सीसीटीवी के आधार पर उस लड़की का रात में जो है
नैना देवी मंदिर तक जो है देखना आया है। नैना देवी मंदिर के पास नैनी झील में एक चप्पल मिली है, जो बताया जा रहा है, उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि ऐसी ही चप्पल वो पहनी थी। इसमें जो है NDRF की टीम और जल पुलिस लगा के भी उसकी तलाश की जा रही है, और भी संभावनाओं पे काम किया जा रहा है, और जो है कई टीमें हमने बनाई हैं और लड़की की तलाश की जा रही है। जैसे सबूत मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के धुमाकोट में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें पिकअप सवार एक 15 साल के नाबालिग की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बताया कि पिकअप हल्दुखाल से मिरवाड़ी जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। एक गाड़ी थी एक 1004 UK 15 CA 1004, ये हल्दुखाल से उमटा आई थी, जो वापस जा रही थी हल्दुखाल। वो ड्राइवर की कुछ गलती रही होगी, जिसने बैंड नहीं काट पाया, और उसमें एक बच्चा था और दो ही आदमी सवार थे उसमें, जो नीचे गिरे थे उन्हें रेस्क्यू करके नैनडांडा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। क्या अभी क्या स्थिति है उनकी? अब तो वहाँ जाके पता लगेगा क्या दोनों की स्थिति अभी पता चलेगा। हाँ, वहीं जाके देखा जाएगा, अभी तो भिजवा दिया गया है, प्राइवेट जो भी अपना वाहन करके जी भिजवा दिया गया। चमोली में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा एक नंबर प्लेट से दो गाड़ियां संचालित की जा रही थी। इस बात की सूचना पुलिस को मिली, सूचना मिलते ही पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम से माणा तक सभी वाहनों की गहनता से छानबीन की गई। दोनों वाहन के मिलने पर ड्राइवरों से पूछताछ पर पता चला कि वाहन चालक राकेश कुमार व वाहन स्वामी चरणजीत सिंह व अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने धोखाधड़ी व नकली दस्तावेज बनाकर दो टेम्पो ट्रैवल एक ही नंबर से चला रहे हैं, जिसके आधार पर उक्त के विरुद्ध कोतवाली बद्रीनाथ में मामला दर्ज कर चालक रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। खानपुर विधानसभा के कस्बा लंढोड़ा में राशन की धांधली के मामले में राशन डीलरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले में गुलाबी कार्ड धारकों को पीले राशन कार्ड पर राशन देने का आरोप लगा है, जिसको लेकर कार्ड धारकों ने राशन डीलरों के खिलाफ प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि लंढोरा में राशन की धांधली में कई डीलरों के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। वहीं मामले को लेकर उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके पास गुलाबी राशन कार्ड है, लेकिन उनको पीला राशन कार्ड देकर उसी पर राशन दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने राशन डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संपत्ति की जांच करने की मांग की है। कैसे पता लगा आप? हमें पता लगा है, जैसे यहाँ का कार्ड निरस्त हो रहा है डीलरों का, ये 84 का डीलर बांट रहा है, इससे पता लगा है कि तुम्हारा कार्ड यहाँ ऑनलाइन सफेद है। इस वजह से हमें कल ही पता लगा है, कल ये सफेद हो हमारा राशन किया गया है, और फिर सरकार को टैक्स हम कहाँ से देंगे? हम अपने कार्ड जमा करने जा रहे थे, कल जब हमने चेक करवाया तो ये कार्ड सफेद निकला, इतना राशन इसके भीतर हो, और जी एप जगह जगह संपत्ति दे के रखी है, सब राशन के पैसों की दे के रखी है इन्होंने कोटियाँ, इनकी जांच की जाए, सरकार से उम्मीद है, पत्रकार लोगों से उम्मीद है, इनकी जांच होनी चाहिए। अगली कार्रवाई क्या होगी? 8-10 लाख आ रहा है मेरा, तो 5 किलो दे रहा हर महीने, 5 मेरा और 5 मेरी बहू का। अब कैसे पता लगा कि आपका कार्ड गुलाबी है? आज ही लगा पता है इसका। कैसे? हम वहाँ गए थे, वहाँ अधिकारी ने बताया, वहाँ जो रस्सी है, जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये आती हैं कि राशन शॉप्स जितने दिन खुलनी चाहिए उतने दिन नहीं खुलती हैं। तो महीने में जैसे उन्हें रेगुलरली खुलना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो भी उनके हॉलीडे होते होंगे, वो 4 या 5 दिन महीने में खुलते हैं। दूसरी शिकायत आजकल ये आ रही है कि वो राशन देने से मना करते हैं क्योंकि किसी का अंगूठा नहीं हो रहा है। बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड गवर्नेंस वाली प्रैक्टिस है कि हम लोग चाह रहे हैं कि उनका बायोमेट्रिक से हो जाए, ताकि हमें पता रहे किसको राशन मिला, किसको नहीं मिला, कौन सी तारीख को मिला। तो यदि अगर कोई ओल्ड एज आदमी आता है तो उसको हम अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उनकी हाथ की लकीरें भी थोड़ी दिखने में और मतलब महसूस करने में मुश्किल होती है, इस वजह से वो बायोमेट्रिक भी नहीं पकड़ पाता है, तो उनके लिए तो हम स्पेशल परमिशन दे रहे हैं। लेकिन सबसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि ऐसे इशूज़ आते हैं आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं, ये SDM के पास आ सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। जो ये डाइवर्जन होता था इसको हमें रूट आउट करना है।
चंबा के कॉलेज में आयोजित मेले के समर्थन को लेकर स्थानीय महिलाएं सामने आईं। आपको बता दें कि व्यापार मंडल चंबा ने इस मेले को बंद करने के लिए प्रशासन से मांग की थी, लेकिन आज चंबा शहर की महिलाओं ने मेले को बंद ना करने को लेकर प्रशासन से मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दिनों स्कूलों की छुट्टी है, इसको देखते हुए मेले को और कुछ दिन यहाँ पर लगना चाहिए। मेला बंद नहीं होना चाहिए। ये जो इस समय जो बच्चे हैं, छुट्टियां पड़ी हुई है बच्चों की, और जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते, गरीब लोग हैं, बच्चे अपने बच्चों को यहाँ पे अपना मनोरंजन करा रहे हैं, इसलिए ये मेला बंद नहीं होना चाहिए। ये स्थानीय मेला है, लोगों का 3 साल बाद वो मेला लगा है, तो मेला बंद नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं, जो व्यापारी लोग बंद करवा रहे हैं, इसका विरोध करते हैं कि बंद नहीं होना चाहिए। कि मेला बंद नहीं होना चाहिए, स्थानीय लोगों का मेला है, लोगों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, गांव से लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को नहीं, जनता को आपत्ति नहीं है, तो व्यापार मंडल वालों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे साल भर हम उन्हीं के यहाँ से लाते हैं, 2 दिन अगर हमारे बच्चे यहाँ खेल कूद ले तो इनमें व्यापार मंडल वालों कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। बस क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि मेला बढ़ाया जाए, बंद ना कर दिया जाए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार लक्सर रोड पर पीपली गांव के पास पथरी नदी के पुल पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सामने से आ रही डीसीएम गाड़ी में सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम के परखच्चे उड़ गए और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे लक्सर कोतवाली एसएसआई अंकुश शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पीपली गांव के पास पथरी नदी के पुल पर 2 ट्रकों का आपस में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सूचना पाते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचे। सुल्तानपुर से आ रही थी और अपनी साइड से जा रहा था, तो लक्सर साइड से आ रहा था ट्रक, रॉन्ग साइड आ गया, इसको मारा है, अभी उसका नाम ड्राइवर का नाम नहीं है, और वाइट ट्रक वाले की है, रॉन्ग साइड आके मारा है। 2 ट्रकों का आपस में किसी पुल के बाद एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मौके पे आए हैं, एक डीसीएम और एक ट्रक जो खड़ा हुआ है, इनकी आपस में टक्कर हो गई है, और जो डीसीएम का जो चालक है उसको जो है हायर सेंटर के लिए यहाँ से भिजवा दिया। विधानसभा सत्र के 4th दिन सदन के भीतर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मसला उठा। वहीं विपक्ष के विधायकों ने सवाल के माध्यम से सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितने युवा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, उनको सरकार रोजगार देने की क्या व्यवस्था कर रही है। जवाब में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पहले से कार्य योजना तैयार कर रही है। सेवायोजन कार्यालय में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। इसके साथ ही विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और जल्द सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाया जाएगा, जिससे सेवायोजन में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। लालकुआ में 22 जग्गी बंगर सीट के प्रत्याशी कमलेश चंदोला ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए आवश्यक बैठक बुलाई। बैठक में कई लोगों ने शिरकत की। बैठक में मोदी सपोर्टर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हल्दू चौड़, व्यापार मंडल अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित अन्य लोगों ने कमलेश चंदोला का स्वागत कर समर्थन देने का ऐलान किया। बैठक में क्षेत्रवासियों ने कहा कि कमलेश चंदोला हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रहे हैं, इसीलिए इस बार जिला पंचायत सदस्य सीट से कमलेश चंदोला को जिताएंगे। इस मौके पर कमलेश चंदोला ने कहा कि अगर जनता भरोसा जताती है तो वह क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बाहर के लोगों का भी अपार समर्थन है, क्योंकि यहाँ पर परिचित रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, सभी लोग यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि कोई सुबह आता है, कोई शाम को आता है, किसी फोन आता है, तो सभी लोग भारी समर्थन दे रहे हैं। मैं इसके लिए इस आपके चैनल के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, और साथ के साथ उनका कृतज्ञता भी होगी, वो इतना भारी समर्थन मुझे दे रहे हैं। मैं सभी का इस मन से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आने वाले 27 तारीख
जो भी चुनाव चिन्ह कल बटने जा रहा है उसके सामने का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएंगे और यहाँ से विजयी बनाकर जिला नैनीताल भेजेंगे। पुनः आपसे मीडिया बंधु का धन्यवाद करते हुए यह निवेदन करता हूँ कि आप भी जितने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं बनाने का प्रयास करें। रुद्रप्रयाग में जल शक्ति अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला बाल विकास सह सचिव पल्लवी अग्रवाल की अध्यक्षता में जल संसाधन से जुड़े विभागों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये अभियान केंद्र सरकार का अभियान है जिसके माध्यम से घटते जल स्तर को रोकते हुए उसे बढ़ाना है। उन्होंने जनपद में जल शक्ति अभियान के तहत की जा रही विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। वहीं बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, प्रभागीय वन अधिकारी वैभव कुमार सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह चौधरी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान संजय सिंह, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी, सिंचाई विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।